हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा एमएस धोनी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट 8 डेज का कलेक्शन अब सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि सेकंड फ्राइडे को एमएस धोनी फिल्म अच्छी कमाल करेगी और हुआ भी वैसे ही। आपको बता दूं, सेकंड फ्राइडे को 3 मूवी रिलीज हुई थी। एक तो मिर्जिया रिलीज हुई थी, एक MSG 3 रिलीज हुई थी और तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी मिर्जिया MSG 3 और तीसरी आई थिंक तू तक तू थिया। जी हाँ, इन तीनों का जो कलेक्शन है फर्स्ट डे का वो कम रहा है और एमएस धोनी कलेक्शन तीनों फिल्मों से ज्यादा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एमएस सोनी किस तरह से सेकंड वीक भी कमाल कर रही है। सेकंड वीक के जो फ्राइडे यानी कि 8 दिन का जो कलेक्शन आया है वो अब हो चुका है, जो 8वें दिन कलेक्शन वो है 4.07 करोड़। जी हाँ, 4.07 करोड़ फिल्म ने ऐड कर दिए है 8वें दिन और साथ ही उसके साथ जो टोटल होता है फिल्म का वो 98 करोड़ हो गया है। जी हाँ, 98.20 करोड़, यानी कि फिल्म को करीबन करीबन 2 करोड़ बाकी है 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए, जो फिल्म 90वें दिन में पहुंच जाएगी। अब कुछ ही वक्त में जो आंकड़ा आएगा वो मैं आपको जरूर बता दूंगा 90वें दिन का। तो इस तरह से एक फिल्म में कमाल कर रही है और ऑलरेडी 100 करोड़ पहुंच चुकी है और अब इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता कम से कम 170 या 180 करोड़ कमाने से, क्योंकि इस हफ्ते की जो भी फिल्में रिलीज हुई है, जो आपको बताया तू तक तू थिया, मिर्ज़िया, MSG 3, उतना खासा कमाल नहीं कर रही, तो उसका फायदा सब एमएस धोनी को मिलेगा और आने वाले 3 हफ्ते तक एमएस धोनी के पास कोई बड़ी कंटेंडर वाली फिल्म नहीं है। जो उनको प्रॉब्लम जो होगी एमएस धोनी को वो अपने 4थे वीक में होगी, जब शिवाय और ऐ दिल है मुश्किल रिलीज होगी, तब तक एमएस धोनी आराम से कमाल कर सकती है और आराम से 170 से 80 करोड़ कमा सकती है। कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा और आपके कुछ सवाल हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर दोबारा, बाय।